नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पाइस जेट का बोर्डिंग पास ऑनलाइन हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए हम अपने मनपसंद का सीट ऑनलाइन वेब चेक इन के दौरान हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए दोस्तों हमें कितना टाइम पहले वेब चेक इन करना होगा, ये सारी बातें दोस्तों हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो की तरफ। और बोर्डिंग पास डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर हमारा जो स्पाइसजेट का ऑफिशियल साइट का लिंक है उसे हम वहाँ पर टाइप कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको स्पाइसजेट का ऑफिशियल साइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रख देंगे, आप वहाँ पर भी जाकर डायरेक्टली अपना बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम ऑफिशियल साइट का लिंक ओपन करते तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे सामने दिख रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पर वेब चेक इन के लिए जाना है तो यहाँ पर देखिए वेब चेक इन का ऑप्शन भी दिख रहा है दोस्तों। फ्लाइट्स के बगल में देखिए चेक इन और इसके बगल में देखिए फ्लाइट स्टेटस और मैनेज बुकिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो हमें अगर वेब चेक इन करना है और बोर्डिंग पास डाउनलोड करना है तो हम वेब चेक इन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम चेक इन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि हमें चेक इन के लिए क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए पीएनआर नंबर और टिकट रेफरेंस नंबर में से कोई एक भी रहेगा तो चल जाएगा। तो हम यहाँ पर अपना पीएनआर नंबर डाल देते हैं। अगर आपके पास पीएनआर नंबर नहीं अवेलेबल है दोस्तों तो आप अपना टिकट रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। और आगे देखिए जो दूसरा ऑप्शन है ईमेल स्लैश लास्ट नेम, उस ऑप्शन में दोस्तों आपको ईमेल या लास्ट नेम में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करके वहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर लास्ट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर आपके पास लास्ट नेम है तो लास्ट नेम फिल कर दीजिए, अदरवाइज आप ईमेल आईडी भी फिल कर सकते हो दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर पीएनआर नंबर और लास्ट नेम फिल कर लिया है और अभी सर्च बुकिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम सर्च बुकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो बुकिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ओपन हो जाती है। जैसा कि हमारा जो फ्लाइट है वाराणसी टू मुंबई है, यहाँ पर देखिए शो कर रहा है और नीचे देखिए दोस्तों जो पैसेंजर नेम है वो भी शो कर रहा है। तो आप इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अभी दोस्तों चेक इन करने के लिए नीचे जो पैसेंजर नेम दिया है उसमें से हमें सेलेक्ट करना होगा। तो जैसा कि हमें दोनों पैसेंजर का बोर्डिंग पास डाउनलोड करना है तो दोनों पैसेंजर को हमने सेलेक्ट कर लिया और चेक इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है तो हम इसे चलते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने एक का टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरे पैसेंजर का भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोबारा से कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पर दोस्तों देखिए चूज योर सीट का ऑप्शन है और उसके नीचे देखिए यहाँ पर ऑटो चेक इन का भी ऑप्शन है। अगर हमें तुरंत बोर्डिंग पास डाउनलोड करना है तो हमें सीट सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज अगर हम ऑटो सेलेक्ट करते हैं दोस्तों तो ऑटो चेक इन में क्या होता है कि 12 घंटे के पहले मतलब फ्लाइट उड़ान भरने के 12 घंटे पहले हमारे मेल आईडी पर जो बोर्डिंग पास होता है वो सेंड किया जाता है एयरलाइंस की तरफ से, अगर हम ऑटो चेक इन सेलेक्ट करते हैं तो ही। तो अगर हमें दोस्तों अभी तुरंत बोर्डिंग पास डाउनलोड करना है तो चलते हैं हम यहाँ पर ऐड का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर लेते हैं और हमारा जो सीट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम ऑटो चेक इन करते हैं तो एयरलाइंस जो हमें सीट प्रोवाइड करती हैं हमें उसी पर बैठकर जाना होता है और हमें उसमें मनपसंद की सीटें नहीं मिल पाती हैं। तो अगर हमें मनपसंद की सीटें चाहिए तो दोस्तों हमें सीट सेलेक्ट करना पड़ेगा ही। तो चलते दोस्तों हमारी जो सीटें हैं वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों पेड और फ्री दोनों सीटें अवेलेबल है और आप ऊपर देखिए यहाँ पर जो कलर वाइज जो इसे कैटेगराइज्ड किया गया है आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए स्पाइस मैक्स सीट है उसका जो फेयर है 1299 रुपया है
और बाकी देखिए आगे प्रेफर्ड सीट और नॉर्मल सीट और सिलेक्टेड और अन अवेलेबल सीट। तो जैसा कि हमें अवेलेबल सीट्स देखना है तो यहाँ पर जो कलर वाइज ऊपर जो कैटेगराइज किया गया उसी के हिसाब से हमारा जो अवेलेबल सीट है उसे हम देख लेते हैं। तो चलते दोस्तों, यहाँ पर कोई हम मनपसंद की विंडो वाली सीट हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो। और आप भी अपने अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर सीट सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। जैसा कि हमें विंडो वाली सीट चाहिए तो हम इसमें देख लेते हैं विंडो वाली सीट यहाँ पर कौन सी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जिस पर कोई चार्ज नहीं हो। तो चलते हैं दोस्तों, ये विंडो वाली सीट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए एयरलाइंस के द्वारा हमें ऑफ़र किया जाता है अगर हमें तीन सीट एक साथ चाहिए तो यहाँ पर देखिए कुछ जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो हमें पे करने होंगे। तीन सीट एक साथ हम ले सकते हैं। जैसा कि हमें नहीं चाहिए तो हम इसे सेलेक्ट नहीं करते हैं। अगर हम आई एग्री करके कंटिन्यू करेंगे तो हमें उतना फेयर पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम इसे सेलेक्ट नहीं करते हैं और कैंसिल कर देते हैं। जैसा कि हमारा जो सीट था हमने जो सेलेक्ट किया था वो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। तो फिलहाल हमें विंडो वाला चाहिए तो हम विंडो पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हम देखिए विंडो पर क्लिक करते हैं तो हमारा विंडो वाला सीट देखिए ओपन होता है। तो उसे दोबारा से हम जो चार्जेस है हमें नहीं पे करना है तो नीचे जो कैंसिल का ऑप्शन है उसे हम कैंसिल बटन पर क्लिक कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम दोस्तों इसे हम एग्री बटन पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो हमें उतना फेयर जो एक्स्ट्रा है पे करना पड़ेगा दोस्तों चार्जेस। तो दोस्तों जैसे हम देखिए कैंसिल बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो एक सीट है वो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। आगे देखिए सीट नंबर भी दिख रहा है नाम के आगे। तो अभी दूसरा वाला जो सीट है वो भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो दूसरा वाला जो नाम है वो हम सेलेक्ट करके आगे यहाँ पर नीचे सीट पर आते हैं तो उसके नीचे वाला जो सीट है वो भी अवेलेबल है तो उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही उस पर हम क्लिक करते हैं तो एयरलाइंस हमें दोबारा से वही सेम ऑफ़र करती है। तो अगर आपको उस लाइन की पूरी सीटें चाहिए तो आप इतना फेयर एक्स्ट्रा पे करके आपको पूरी सीटें ले सकते हैं। जैसा कि हमें नहीं चाहिए तो हम इसे अग्री नहीं करते हैं और नीचे कैंसिल बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम कैंसिल बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा जो दूसरा सीट था वो भी सेलेक्ट हो चुका है। और अभी नीचे देखिए यहाँ पर डन का ऑप्शन है तो हम इसे डन कर लेते हैं दोस्तों। और देखिए हमारा जो चार्जेस है वो भी जीरो लगा है, ठीक है। ये दोनों सीटें जो विंडो वाली है वो सिलेक्ट हो चुकी है तो इसे हम डन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम डन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो सीट सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमारा दो सीट सिलेक्ट हो चुका है और दो जो सीट है उसका जो फीस है वो भी देखिए यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है आगे, मतलब हमारा जो दोनों सीट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिल चुका है। और नीचे देखिए यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि स्पाइस कैफ़े और एक्सेस बैगेज। स्पाइस कैफ़े के ऑप्शन पर जाकर हमें फ़्लाइट में क्या खाना है वो फूड जो है यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक्सेस बैगेज में जाकर दोस्तों हम अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा लगेज है वो भी यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लगेज भी बुक कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें एक्स्ट्रा लगेज बुक नहीं करना है, हमें जो एयरलाइंस के द्वारा जितनी भी वेट जो है एक्सेस किया गया है उतना ही वेट हमारा जो लगेज है उतना ही वेट के अंदर में आता है तो हम उस पर नहीं जाते हैं। और चलते हैं अभी फूड का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके हमारा जो खाना है वो सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों वेब चेक इन के दौरान यहाँ पर जो फूड फ्री ऑफ कॉस्ट दिख रहा है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने जो फूड सेलेक्ट किया है उसका भी कॉस्ट जीरो दिख रहा है दोस्तों। तो हमने जैसा कि दोस्तों फूड भी सेलेक्ट कर लिया और सीट भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर आपको कुछ और भी यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना है उसके लिए दोस्तों एक्स्ट्रा फीस जो है पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बाकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है खाली वहीं सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो हम जो वेब चेक इन का नेक्स्ट प्रोसेस है उस पर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों हमें जो पैसेंजर का एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह सब फिल करना होगा। तो चलते हैं दोस्तों वो सब डिटेल यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राइमरी पैसेंजर का जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है यहाँ पर ऑलरेडी फिल किया हुआ है क्योंकि हमने टिकट बुक करते टाइम वहाँ पर फिल किया था तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। तो बाकी यहाँ पर एड्रेस फिल करना बाकी है तो हम यहाँ पर चलते हैं एड्रेस फिल कर लेते हैं। और जो सेकेंडरी पैसेंजर है मतलब जो सेकंड पैसेंजर है तो उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। जैसे कि हमें सेम एज चाहिए तो ऊपर का जो हमारा प्राइमरी पैसेंजर है उसी का डिटेल हम सेकेंडरी पर भी हम पेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह सब सेम है तो इसलिए हम यहाँ पर हम सेम जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर अगर अलग अलग पैसेंजर हैं तो आप यहाँ पर अलग अलग मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह फिल कर सकते हो दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमने प्राइमरी पैसेंजर का डिटेल्स फिल कर लिया है और अभी हमें जो सेकंड पैसेंजर है उस पर भी हमें वही सेम डिटेल्स चाहिए, तो नीचे देखिए एड्रेस सेम है, प्राइमरी पैसेंजर का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो सेकंड पैसेंजर है उसके एड्रेस वगैरह की डिटेल पर प्राइमरी पैसेंजर का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो डिटेल्स है उसे हम अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं और कंप्लीट चेक इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे हम कंप्लीट चेक इन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो बोर्डिंग पास है वो जनरेट होने लगता है और फाइनली देखिए दोस्तों हमारा जो बोर्डिंग पास है वो जनरेट हो चुका है। जैसा कि दोस्तों हमारा जो बोर्डिंग पास है वो जनरेट हो चुका है और उसके साथ में हमारा जो बैगेज टैग वगैरह है वो सब भी यहाँ पर देखिए शो हो रहा है। तो अगर हमें यहाँ पर डायरेक्टली इसे प्रिंट करना है तो यहाँ से हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों, और अगर हमें मेल पर चाहिए तो ये मेल पर भी यहाँ से ऊपर देखिए ऑप्शन है, ये देखिए सेंड मेल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम डायरेक्टली हमारा जो बोर्डिंग पास है वो मेल पर सेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते दोस्तों बोर्डिंग पास को हम मेल पर सेंड कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों हमारा जो क्लाइंट है वो पास में अवेलेबल नहीं है, तो अगर हम इसे मेल पर सेंड करेंगे तो वहाँ से हम डायरेक्टली उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हम सेंड मेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देखिए जो बोर्डिंग पास है वो मेल पर सेंड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आप ऑनलाइन वेब चेक इन करके बोर्डिंग पास आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।